अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारी जो कुरान पाक वाली अहम अहम आयात पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसको हम डिस्कस करते हैं आपके जो सेकंड ईयर के एमबीबीएस सेकंड ईयर के हवाले से। तो शुरू करते हैं इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। जो पहली आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और चाहिए, लाम का मतलब, वाओ का मतलब और, लाम का मतलब के चाहिए, और चाहिए कि शख्स देख ले। नफ्सुम से मुराद कोई शख्स, एक शख्स है, एक आदमी, कि चाहिए कि आदमी देख ले कि मा क़द्दमत लिग़द, कि उसने कल के लिए क्या छोड़ा है, कल के लिए आगे क्या भेजा है उसने। और वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला बाखबर है बिमा उन कामों से, उन चीज़ों से, तअमलून, जो तुम अमल करते हो। कि इंसान, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक इंसान उस चीज़ को देख ले कि इंसान ने अपने लिए आगे क्या भेजा है, कैसे क्या अमाल करके भेजे हैं, अच्छे अमाल किए हैं या बुरे अमाल किए हैं। और दूसरी आयत है कि वह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा इलाह, इलाह का मतलब माबूद, और तुम्हारा माबूद इलाहुम वाहिद, एक ही माबूद है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाह के सिवा उस ला इलाहा कोई माबूद नहीं है कि इल्ला, मगर वही वह रहमान भी है, वह रहीम भी है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। और इसके बाद तीसरी आयत है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि माँ का मतलब यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब इसका अगर लफ्जी मतलब इसको देखें, इसका मतलब यूँ बनता है कि माँ अरसलना का, कि माँ का मतलब नहीं, और वाओ का मतलब और, माँ का मतलब नहीं, अरसलना हमने भेजा का आपको, और कि वमा अरसलना का, और हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए, रहमतुल आलमीन, जहानों के लिए रहमत बनाकर। और इसको अगर बा मुहावरा करेंगे तो इसको ये होगा कि हमने, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और उसके बाद यह है कि जो अगली आयत हमारी, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लौकान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि लौकान फ़ीहिमा, हिमा का मतलब, हिमा जो का मतलब, जो पीछे जो आयत का अंदर जो जिक्र चल रहा है कि ज़मीन व आसमान, कि लौकान फ़ीहिमा, कि अगर होते ज़मीन व आसमान के अंदर आलिहतुन, माबूद, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, तो लफसदता, तो ज़मीन और आसमान के अंदर फसाद मच जाता, ज़मीन और आसमान तबाह बर्बाद हो जाते। जिस तरह एक मुल्क के अंदर दो बादशाह हुकूमत नहीं कर सकते, तो इस तरह अगर एक जो है कायनात के अंदर दो इलाह होते तो अल्लाह हमारे कि कायनात में फसाद हो जाता, ज़मीन आसमान है। फसुबहान अल्लाह रब्बिल आशी अम्मा युसिफून, तो बस जो है ना वो पाक है, जो फसुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है, तारीफ अल्लाह पाक के लिए हैं कि रब्बुल अर्श के, वो अर्श का मालिक है। अम्मा युसिफून, उन चीज़ों से बिल्कुल पाक है जो यसिफ़ून, जो ये सिफ़्त बयान करते हैं, जो ये चीज़ें बातें बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हैं, अल्लाह पाक की बेटियां हैं, और अल्लाह पाक की ये है फरिश्ते, अल्लाह पाक की बेटियां, जो तरह तरह की बातें करते थे, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इन सारी चीज़ों से पाक हैं। अच्छा, उसके बाद है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम। इन्नमा का मतलब कि पक्की, सिर्फ और सिर्फ यही बात है, पक्की बात है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कि मोमिनीन जो हैं वो मोमिन, ईमान वाले, इख्वतुन, आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो बस अब तुम जो है आपस में अपने भाइयों के दरमियान सुलह रखो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह ताला तुम पर रहम करें, तुम पर रहमत वाला मामला किया जाए, ताकि अल्लाह पाक तुम पर रहम करे। और उसके बाद है कि वमा आता, ये आयत का टुकड़ा है कि वमा आताकुम रसूलु फ़खुदू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। शुरू से पढ़ लेते हैं इसको, कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि माल फ़ाय जो है उसके बारे में फरमा रहे हैं कि जो माल फ़ाय होता है जो बगैर लड़े हासिल हो, तो उसके बारे में फरमा रहे हैं कि फ़रिल्लाहि वलिर रसूलि वलिदिल क़ुरबा वलियतामा, कि वो अल्लाह का होता है, अल्लाह के रसूल का होता है, और ये अब करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ वक़ारिब का होता है, यतीमों का, मस्किनों का, और राह चलते जो मुसाफिर हैं उनका होता है। कई ला यकूना दौलतम बैनुल अग़निया मिनकुम, ताकि ये माल जो है लोगों के दरमियान ना घूमता रहे, मालदार लोगों के दरमियान। और वमा आताकुम रसूलु फ़खुज़ू, और जो तुम्हें अल्लाह के रसूल दे दें फ़खुज़ू, बस तुम उसको ले लो। वमा नहाकुम, और वो जिस चीज़ से वो मना कर दें, फ़ंतहू, बस तुम रुक जाओ। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है।
उसके बाद अगली आयत है कि लगत कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि लगत लाम का मतलब भी है पक्की बात है और कद का मतलब भी बात को पुख्ता करने के लिए आता है कि पक्की बात। अल्लाह फरमा रहे हैं कि लगत कान लकुम फी रसूलिल्लाह पक्की बात है कि तुम्हारे लिए लकुम तुम्हारे लिए फी रसूलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसवतुन हसना, उसवा का मतलब नमूना, हसना बेहतरीन, कि तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है आपकी पैरवी करने के अंदर। और उसके बाद जो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमु बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ा करो, ला तुक़द्दिमु ना तुम आगे बढ़ो, ला तुक़द्दिमु बैन यदैल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और उसके रसूल के वत्तक़ुल्लाहा और तुम अल्लाह तआला से डरो, इन्नल्लाहा समीउन अलीम बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा सुनने वाला बहुत ज़्यादा जानने वाला है। समी और अलीम का मतलब बहुत ज़्यादा सुनने वाला बहुत ज़्यादा जानने वाला। और उसके बाद आयत है कि फरमाया कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला, या अय्युहन्नास ए दुनिया भर के इंसानों, ए इंसानों इन्ना खलकनाकुम बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा एक मर्द और औरत से, वजअलनाकुम और हमने तुम्हें बना दिया ग्रोहों में व कबाइल और कबीलों के अंदर बाँट दिया, लितआरफू ये जो तुम्हें ग्रोहों के अंदर और कबाइलों के अंदर कौमों के अंदर जो तुम्हें जो है वो ख़ानदानों के अंदर तकसीम कर दिया ये किस लिए किया, लितआरफू ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ये तुम्हें तारुफ के लिए एक दूसरे की पहचान कर सको कि ये फ़लाँ शख्स जो है ना ये फ़लाँ कबीले का है फ़लाँ फ़लाँ कबीले का है। वरना अब सवाल होता है कि क्या अब ये जो मुख्तलिफ ग्रोह बना दिए मुख्तलिफ कबाइल बना दिए क्या फजीलत का मयार भी यही है, अल्लाह पाक को ज़्यादा पसंद कौन सा ग्रोह है कौन सा कबीला कौन सी कौम ज़्यादा पसंद है। तो आगे फरमाया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है कि जो तुम में सबसे ज़्यादा तकवे वाला है, जो मुत्तकी ज़्यादा है वो जो है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। इन्नल्लाह अलीम खबीर बेशक अल्लाह ताला जानने वाला बाखबर है। और इसके बाद आयत का टुकड़ा जो है ये है कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, अल-यौम आज के दिन अल्लाह फरमाने आज के दिन अकमलतु लकुम दीनकुम मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु तमाम कह दें तमाम हो गया, तमाम का मतलब ख़त्म हो जाए मुकम्मल हो जाना, और व अतममतु अलैकुम नेअमती और मैंने दीन को और नेम अब अलैकुम नेअमती और मैंने अब जो तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत थी उसको मैंने मुकम्मल कर दिया तमाम कर दिया, व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना और मैं तुम्हारे लिए राज़ी हो गया इस्लाम को बतौर दीन के अपनाने के तुम्हारे लिए करने के तुम्हारे लिए राज़ी होगा, कि क्या मतलब कि तुम्हारे लिए इस्लाम को मैंने दीन के तौर पर पसंद कर लिया। और इसके बाद है मतलब वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रुकु, वातसिमु और तुम हब्ल कहते हैं रस्सी को, मतलब कि वातसिमु और तुम पकड़ लो बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को जमीअन इकट्ठे, वला तफरकु और तुम तफरके में ना पड़ो आपस में झगड़े में ना पड़ो इख्तलाफात में ना पड़ो, वज़कुरु नेमतुल्लाहि अलैकुम और तुम याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर थी, इस कुंतुम आदाअन जब तुम दुश्मन थे, क्या मतलब कि जब तुम आपस में दुश्मन थे लड़ाइयाँ करते थे, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम बस अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, फअसबहतुम बिनेमतिही इख्वाना बस तुम उसकी नेमत के साथ नेमत से भाई भाई बन गए। उसके बाद अगली आयत है कि वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनावज़ू बिल अलकाब, और तुम वला तलमिज़ू अनफुसकुम एक दूसरे को ताना ना दिया करो, वला तनावज़ू बिल अलकाब और एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से ना पुकारा करो बुरे अलकाब से ना पुकारा करो, और कि बिसल इस्मिल फुसूक बादल ईमान कि ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना बहुत बुरी बात है, बिसा मतलब बहुत बुरी बात है। इससे अगली आयत है आयत का जो हिस्सा है कहते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, खैर उम्मतिन बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए निकाला गया है, तअमुरूना बिल मारूफ कि तुम नेकी का लोगों का नफ़ा वो क्या है कि तअमुरूना बिल मारूफ कि तुम नेक काम का हुक्म करते हो, वतनहौना अनिल मुनकर और बुरी बात से जो है तुम रोकते हो, वतुमिनूना बिल्लाह और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैर लहुम और अगर जो है अहले किताब ईमान ले हैं तो ये उनके लिए बेहतर है, मिनहुमुल मुमिनून इनमें से बाज़ लोग ईमान वाले हैं और बाज़ लोग जो है वो फासिक हैं, कि बाज़ लोग यानी कि ईमान जो है वो इनमें से कुछ बहुत सारे लोग जो है वो नहीं वो अक्सर हम फासिकून बाज़ लोग नहीं वो अक्सर हम फासिकून वो अक्सर हम फासिकून के अक्सर लोग जो है इनमें से फासिक हैं जो नाफरमान ईमान नहीं लाए।
اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور تم نہ کھاؤ اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے غلط طریقے سے کہ مال کسی کا چھین لیا غصب کر لیا اور ظلم کے طریقے سے وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَّامِ اور نہ ہی تم اپنے حکام کے پاس جو اپنے جو حاکم ہیں ان کے پاس مقدمہ لے کے جاؤ اس غرض سے وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ تاکہ جو ہے وہ تمہیں کیا ہو کہ تاکہ اس غرض سے لے کے جاؤ کہ لوگوں کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ تمہیں سب کچھ پتہ بھی ہے کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تمہیں سمجھ بھی ہے کہ فریق من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے تم کوئی حصہ ہڑپ کر لو بالاسمی گناہ کے اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ کے طور پر گناہ کرتے یہ جو اس کا لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کا گناہ کرو وانتم تعلمون اور تم اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو تم ایسا نہ کرو مطلب یہ دیکھیں نا یہ ولا تاکلوا دو باتیں ارشاد فرمائی کہ لا تاکلوا اور آگے فرمایا کہ لا تدلوا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ لوگوں کا مال نہ کھاؤ آپس میں باطل طریقے سے اور نہ ہی تم کسی حاکم کے پاس کسی اپنے فیصلہ کرنے والے کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا مال لے کر جاؤ کوئی مقدمہ ایسا لے کر جاؤ کہ تاکہ وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے اور تم ناجائز طریقے سے کسی کے مال پر قابض ہو جاؤ ایسا بھی نہ کرو غلط طریقے سے اور تم ان ساری باتوں کو جانتے بھی ہو ہاں جانے کے اندر اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ تو جانتے بوجھتے ہوئے تم اس طرح کسی کو نقصان پہنچاؤ یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ یہ جو ہے بے شک نماز ان کا مطلب بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فرض ہے کہ جو وقت مقررہ پر فرض ہے علی المؤمنین مومنین پر فرض ہے کتاب موقوتا کہ ایک وقت خاص وقت کے اندر اس کے نماز کے اوقات ہیں اس کے اوپر وہ فرض ہے اور اس کے بعد جو ہے آیت ہے ہمارے پاس والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون کہ اور وہ لوگ ایمان والوں کی صفات اللہ وقت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ هم لاماناتهم کہ اپنی جو امانتوں کا اور وعہدہم اور اپنے وعدوں کا اپنے عہد کا وہ پاس رکھتے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہیں کہ اپنی امانت میں امانت کا اور جو وعدہ زبان سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے یا کوئی عمل سے کوئی انہوں نے امانت کو رکھی ہوتی ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہیں اس میں سے خیانت نہیں کرتے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے آیت ہے کہ اللہ وقف ہمارے ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ کہ ادعو الی سبیل ربک کہ تم پکارو تم بلاؤ الی سبیل ربک اللہ کے راستے کی طرف بالحکمتی کس طرح بلاؤ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اور والموعظۃ الحسنہ اور بہت عمدہ طریقے سے نصیحت کرنے کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن اور جو ہے اگر وہاں پر بحث مباحثہ بھی کرنا پڑے تو اس میں سے بھی جو ہے ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بڑا بہترین ہو بہت عمدہ طریقے سے ان سے گفتگو کرو. اور اس کے بعد آگے جو آیت ہے کہ ہم کہ ماں کان علی بشرین اللہ کتاب و الحکمہ و نبوتا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب کہ ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب کہ کسی شخص کے لیے کسی جو ہے وہ بندے کے لیے یہ کسی جو ہے شخص کے لیے یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اسے کتاب اور اس کو حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے سب ان ساروں کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ کہ ماں کان علی بشرین کسی مرد کے لیے کسی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان یؤتی اللہ الکتاب کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں یؤتی کا مطلب اللہ پاک اس کو دے دیں کتاب بھی دیں والحکمہ اور اللہ پاک اس کو دانائی بھی دیں حکمت بھی دیں اور والنبوت اور نبوت بھی دیں ثم یقولا پھر وہ کہے لوگوں سے کونو عباد اللہ تم میرے بندے بن جو اللہ کو چھوڑ کر ولیکن کونو ربانی گینا بما کنتم تعلمون الکتاب اور اس کے بجائے وہ تو جب دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے دیں گے تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ اللہ پاک کے جو نبی ہوں گے کہ تم میرے بندے بن جو بلکہ اس کو تو وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جو کونو ربانیین رب والے بن جو اللہ والے بن جو کیونکہ جو تم کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ تم پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تم تدرسون یہ جو سارا جو کہے گا نا کہ تم سارے اللہ والے بن جو یہ اس وجہ سے ہوگا یہ جو جملہ کہے گا کہ جو تم کتاب پڑھتے ہو اور جو تم کتاب جو ہے وہ پڑھاتے ہو اس کا یہی نتیجہ ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ کون سے بندے ہیں الذین یمشون جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
और अगर उनका किसी के साथ कोई बातचीत हो जाए, कोई बहस मुबासा हो जाए, तो वो जाहिलों के साथ वो मुखातब होते हैं, तो वो जब जाहिल उनसे जो मुखातब हो जाए तो कौलु सलामा, वो जवाब में सलामती की बात कहते हैं। मतलब यहाँ देखें कि मतलब ये बयान फरमाया कि अगर कोई जाहिल आदमी उनसे लड़ पड़ता है, बहस मुबासे भी उतर आता है, तो इससे मालूम हुआ कि लड़ना और बहस मुबासा करना ये जाहिल आदमी का काम है। तो अगर कोई जाहिल आदमी इनसे ऐसे लड़ भी पड़ता है, झगड़ा शुरू कर देता है, तो उसके जवाब में ये लड़ाई नहीं करते, बल्कि उसके जवाब में अच्छी बात कहते हैं। तो ये हमारी इसमें वो थी कुरान पाक की आयात थी। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।